आज जो कलबुर्गी सिटी के अंदर जो जाबराबाद सर्वे नंबर 21/1 में जो राजीव आवास योजना के उनके तरफ से जो घर नहीं है, जो स्लम एरिया में निवास करते हैं वैसे लोगों के लिए 704 घर जो बनाए हैं सरकार, जिसको घर नहीं है उसको देना चाहिए। मगर हमारे जो स्लम बोर्ड के अधिकारी हैं और वो जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं, ये लोग जो पैसे के लिए भ्रष्टाचार करके जो नौकरी है उनको घर दिया है, जिसको घर है उसको घर दिया है। अब हमारे गुलबर्ग सिटी के अंदर में हज़ार से ज़्यादा लोग जो है घर बेघर लोग हैं, उनके लिए कुछ भी घर नहीं दे रहे हैं। वो दो दो बार तीन तीन बार एप्लीकेशन डाला तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। और बिदर रायचूर बल्लारी के लोगों को यहाँ स्लम बोर्ड के तहकीकात इसके अंदर में जो घर दे रहे हैं ये पूरा कानून बाहिर है। इसके वजह से हम मान्य जिला अधिकारी के तरफ से उनको जो अधिकारी लोग इसमें शामिल हैं उनको अमानत क्या डिसमिस करना चाहिए बोल के ये माध्यम के तरफ से हम क्या आज आग्रह कर रहे हैं। और जो इलीगल के तरीके से जो उस घर में रह रहे हैं उनको अभी के अभी खाली करना चाहिए और जिसको घर नहीं है उनको घर देना चाहिए बोल के आज हम इस माध्यम के जरिए से सभी लोगों को और हमारे शासकों को आग्रह करता हूँ। आज ये नीचे बैठने की वजह आपकी? आज हम दो तीन बार हमारे जिला अधिकारी को और राज्य सरकार को जो मैडम दिया है इसके बारे में तहकीकात कीजिए और जो रियलिटी में जो स्लम के निवासी है उनको घर दीजिए। जिसको जिसके पास दो दो घर है तीन तीन घर है वो घर लेके दूसरे के ऊपर लीज पे डाल रहे हैं और रेंट पे दे रहे हैं। और कई लोग ऑलरेडी बेच दिया। सरकार का रूल क्या है बोले तो 15 साल तक ये घर का किसी को रेंट पे नहीं देना चाहिए, किसी को लीज पे नहीं देना चाहिए और किसी को ना बेचना चाहिए। किसको घर नहीं है, किसको वही झोपड़पट्टी में रहता उनको घर देना बोल के गवर्नमेंट का एक रूल है। ये रूल को क्या है आज ये भ्रष्ट अधिकारी लोग उसको बाजू में रख के जो लीडर लोग हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो पैसा देता है उनके उनको मेरे ख्याल से 400 घर जो है सभी नौकर लोगों को और जो घर है उनको घर दिया है बोल के आज मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट को बताता हूँ। मेरा नाम साइबर नजमादार आइंद चिंता कर वेदिक कलबुर्गी।